फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए, टाटा स्टील ने फॉर्म निकाला है फ्रेशर्स के लिए। आइए देखते हैं क्या है वो। एडवर्टाइजमेंट किया गया टाटा स्टील की तरफ से इंजीनियर के लिए ट्रेनिंग, इसमें कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये होगा 2 साल का। और डोमेन जो जो अप्लाई कर सकते इस फॉर्म के लिए वो रहेंगे हमारे सिविल इंजीनियर, श्रमिक, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी, मिनरल्स, प्रोडक्शन इंजीनियर और कोई भी इंजीनियरिंग कोई भी फील्ड में। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग में, और एआईसीटी से अप्रूव होना चाहिए कॉलेज, और मिनिमम बीटेक में चाहिए 65%, और यहाँ पे मांगा गया है 10th पे मिनिमम चाहिए 75%। यहाँ पर 12th का कोई जिक्र नहीं है, 12th का मार्क्स का, ठीक है। और एज लिमिट जो रखा गया है वो 30 इयर्स का रखा गया है। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा 2 साल का, जिसमें पहला साल आप लोगों को मिलेगा 28,000 पर मंथ और दूसरे साल में मिलेगा 30,000, जिसमें सबका मेडिकल पर एनम का होगा 2,50,000 का, एक मेडिकल होगा 1,6,000 पर एनम का, और पीडी कवरेज मिलेगा। कुछ अदर गाइडलाइंस है, मैं आपको इसका लिंक, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे दे दूंगा, आप पढ़ लेना एक बार। तो आइए चलते एक बार फॉर्म की ओर, फॉर्म कैसे भरा जाए। तो दोस्तों, ये है टाटा स्टील का फॉर्म जो आप लोगों को भरना है, जो कि पूरा फ्री है, बिल्कुल पूरी तरह से फ्री है। और आप लोग करियर बनाना चाहते हैं टाटा स्टील पर, तो आप इस पर आराम से भर सकते हैं। जो कि एरिया ऑफ फ्लाइट फूड होगा, आप कौन से एरिया में अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सी इंजीनियरिंग की है आपने, वो वाला आपको भरना है। फिर कैंडिडेट टाइप है, जनरल हो, ओबीसी हो, वो भरना है आप लोगों को। फिर डोमेन अप्लाइड फॉर, कौन सा डोमेन आप अप्लाइड कर रहे हो, कौन सा डोमेन से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो यहाँ पे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कुछ मांगा गया, यहाँ पे आप आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी दे सकते हैं। और उस आधार कार्ड पैन कार्ड आप जो दोगे उसका यहाँ पे नंबर भरना होगा इस कॉलम में, ठीक है। फिर आपका पूरा नाम, फिर आपका लास्ट का नाम भरना है, फिर कैटेगरी, कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, ट्राइब, जो सेलेक्ट कर लेना आप। डिसेबिलिटी में यस नो कर लेना। यहाँ पे जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है, एस मोबाइल नंबर है, सब पढ़ के आप वर्ड लेना। फिर मैट्रिक का यहाँ पूछा गया है, 10th का, एक स्कूल कॉलेज का पूछा गया है। फिर आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर कुछ है तो यहाँ पे भर सकते हो। बस इतना ही करके आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जो कि आपको रखना है फर्दर इंक्वायरी के लिए। आपको इस ऐप इसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार शुरू होकर जाना। थैंक यू गाइस, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।